भागलपुर गरीब रथ। जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए ट्रेन जर्नी में। आपका स्वागत कर रहा हूं अपनी बिहार के आरा रेलवे स्टेशन से। और आज की जर्नी जो होने वाली है वो अपनी आरा से दुर्ग के बीच में चलने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस में होने वाली है, जो लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी आरा के, और यहाँ से निकलेगी 6:45 पे। आज इस ट्रेन में हम लोग जाएंगे टाटानगर तक। चलिए करते हैं इस यात्रा को शुरू। आज की जर्नी जनरल कोच में होगी। ये गए दोस्तों भागलपुर गरीब रथ। ये पहले गरीब रथ है जिसको LHV रेक मिला। यह आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। तो दोस्तों आरा से 49 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी ये आ चुकी है साउथ बिहार एक्सप्रेस बिहार की कैपिटल पटना में। और हमारी ट्रेन पटना में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है दोस्तों। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 8:05 आती है, 8:15 डिपार्चर। वैसे ट्रेन अभी लगभग 10 मिनट डिले ही आई है, 8:15 में ही आई है। और बता दूँ आपको, ये अपनी साउथ बिहार एक्सप्रेस पहले पटना से ही चलती थी, कुछ ही महीने पहले इसे एक्सटेंड किया गया है आरा। पटना के राजेंद्र टर्मिनल से ये चलती थी, इसके जस्ट 2 किलोमीटर के बाद आती है अपनी राजेंद्र टर्मिनल। दोस्तों हमारी ये साउथ बिहार एक्सप्रेस का ना इतना ज़्यादा स्टॉप दिया गया है कि इतना अगर स्टॉप कवर करे तो आपको 1 घंटा से भी ज़्यादा लंबा ब्लॉक मिल जाएगा। इसलिए इसका मेजर स्टॉप कवर करेंगे पटना के बाद। आप डायरेक्ट आपसे मिलेंगे बख्तियारपुर। इससे पहले ये अपनी पटना साहिब, राजेंद्र टर्मिनल, फतुहा, बहुत सारे हॉल्ट पे रुकने वाली है। तो आपसे डायरेक्ट मुलाकात होगी अब बख्तियारपुर में। और दिखाते हैं आपको कि अपनी ट्रेन का जनरल का कंडीशन अब पटना के बाद कैसा है। आरा के बाद तो ठीक ठाक था। और यह देखिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म से जा रही है अपनी पटना न्यू दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की क्लोन हम सफ़र। ये क्लोन बन के जा रही है, इसे भी कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया गया है। इससे पहले संपूर्ण क्रांति की क्लोन नहीं चलती थी। और यह देख लीजिए अपनी साउथ बिहार का कंडीशन पटना के बाद। अभी निकले नहीं हैं और यह देखिए गेट जाम हो चुका है। तो यहाँ 10 मिनट देरी से आए थे हम लोग और 10 मिनट हॉल्ट लेने के बाद 8:25 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है फाइनली पटना से। और जनरल कोच अब भर चुका है। यह देखिए लटके हुए हैं कैसे गेट पे। बाय बाय पटना जंक्शन। यह देखिए ये है अपना जनरल कोच का कंडीशन पटना से निकलने के बाद।
चलिए अब इसके बाद आएगी अपनी राजनगर जो वो भी पटना में ही आता है, मात्र 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अरे यार देखिए एक सुपरमैन लहरा रहा है गेट पे। ये बिहार के सुपरमैन। ये लगी हुई अपनी राजनगर हावड़ा एक्सप्रेस। तो दोस्तों हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस आ चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और अभी हमें क्रॉस की अपनी हावड़ा वंदे भारत जो कि अपनी ऑरेंज लिवरी के साथ आज थी, इसका रेक शेयर कर दिया अपनी वंदे भारत का गोमती नगर वाली वंदे भारत के साथ, इसलिए ये भी ऑरेंज हो गई, वरना ये जब इनॉग्रेट हुई थी तो व्हाइट की इसका लिवरी था। ऐसे बता दूँ बख्तियारपुर है वो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से अपनी राजगीर की तरफ लाइन जाती है जो आगे तिलैया तक जाती है और हमारी ट्रेन अभी निकल जाएगी इधर मुकामा की तरफ, मुकामा क्यूल के रास्ते झाझा के रास्ते जसीडी आसनसोल की तरफ जाएंगे हम लोग और आएँ पटना की तरफ से। वैसे दोस्तों बता दूँ इस ट्रेन में अभी तक लोकल पैसेंजर का काफ़ी भीड़ था बट अब जाके बख्तियारपुर के बाद से इस ट्रेन में जनरल में अपना लोकल पैसेंजर का भीड़ कम हुआ है, मना काफ़ी ज़्यादा। देखिए ये सब जो है अपनी सब ये लोकल ही है, जो पीछे जा रहे हैं सभी ये लोकल पैसेंजर है, लोकल पैसेंजर का इस रूट पे काफ़ी भीड़ रहता है। चलिए डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, 2 मिनट का हॉल्ट रहता है, निकलते हैं। चलिए डिपार्चर हो गया। मेन लाइन होने की वजह से देखिए ट्रेन कितना स्पीड हो गई है प्लेटफॉर्म पे। जसीडी जंक्शन महादेव की नगरी जसीडी। हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है और ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं जसीडी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अपनी ट्रेन रुकेगी मधुपुर। ओह माय गॉड कितने सारे पैसेंजर यहाँ डिबोट किए हैं, यह देखिए बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ उतरे हैं, यह देखिए। बख्तियारपुर से निकलने के बाद इतना बारिश हुआ है पूरे रास्ते, कोई भी स्टेशन पे बारिश रुका नहीं था इसलिए मैंने कोई भी स्टेशन कवर नहीं किया, डायरेक्ट जसीडी कवर किया। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा ये भींगा हुआ है पानी से, यहाँ बस बारिश छूटा हुआ है अभी, यह देखिए पूरा पानी से भींगा हुआ है प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा है अपना जसीडी का 1 नंबर प्लेटफॉर्म। वैसे दोस्तों आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि अपनी जसीडी क्यों फेमस है, ये है अपने वैरनाथ धाम जो है टेंपल वो यहीं स्थित है देवघर में और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है देवघर, रेलवे स्टेशन है अपनी जसीडी और ये झारखंड में आता है, झारखंड का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है जो मात्र 3 प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए दोस्तों जसीडी से भी डिपार्चर हो चुका है हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस का। और अब सामने से आपको दिखाते हैं कुछ ऐसा है कल के प्रोग्राम की तैयारी। और देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं और इस
रेलवे स्टेशन पे चहल पहल कितनी है, और रात के 1:30 बजे भी मैं जग के आपके लिए पूरा शूट कर रहा हूँ ये ब्लॉग। इसके लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। अभी भादों का समय चल रहा है और अभी भी कांवर यात्री यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आसीन तक आपको दिखेंगे, 3 महीने चलते हैं ये। और यह लगी हुई है दोस्तों कल जो इनॉग्रेट होगी अपनी वंदे भारत, सैफ्रन वंदे भारत, अंदर से भी गुब्बारे लगाए हुए हैं। वाह सही है, वंदे भारत दिख गया फाइनली। तो रात के हो रहे हैं 3:10 और हमारी ये साउथ बिहार एक्सप्रेस आ चुकी है सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारों के शहर आसनसोल में। और आसनसोल तक हम लोग 380 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस की फर्स्ट बार लोको रिवर्सल होगा। मैं फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन की 2 बार लोको रिवर्सल होती है, एक यहाँ आसनसोल में और एक होगी अपने टाटा नगर में। अब हम लोग पीछे थे लेकिन रिवर्सल के बाद आगे हो जाएंगे। और एक बात बता दूं, हमारी ट्रेन इतनी भी फोर है कि यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3:30 आने का टाइम था, हम लोग 3:10 पे आ गए, 20 मिनट भी फोर, और यहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट है, टोटल 40 मिनट रुकेगी और तब 3:50 पे यहाँ से हम लोग डिपार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन में फिर से पानी को भरा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत देर रुकने वाली, इसलिए तो ये आ चुकी है वेब 7 जो अपनी ट्रेन में अब लगेगी। चलिए दोस्तों डिपार्चर हो चुका है आसनसोल से अपनी ट्रेन का। और क्या जोरदार हवा चल रही है दोस्तों आसनसोल में, बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का। जय माता दी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं झारखंड के चांडिल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से अब हमारी टाटा नगर की मात्र 35 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। यहाँ पे मात्र 1 मिनट का हॉल्ट हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस की है, और ये टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। वैसे बता दूँ ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक बरका काना के लिए लाइन अलग होती है, और हम लोग टाटा नगर की तरफ जाएंगे आसनसोल की तरफ से आए हैं। ये आसनसोल टाटा नगर खड़गपुर लाइन है और जिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बरका काना वाली अलग हो जाती है। वैसे आपको कमेंट करके बताना ये चांडिल रेलवे स्टेशन झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। यह देखिए कुछ ऐसा खुला खुला अपना ये रेलवे स्टेशन है, छोटे छोटे सेट्स हैं, और सामने देखिए इधर कोल लोडेड गुड्स ट्रेन, और सामने पहाड़, हरी भरी पहाड़, हल्की रिमझिम बारिश भी हो रही है दोस्तों। चलिए डिपार्चर का सिग्नल हो गया,
निकलते हैं बाबा चांडिल जंक्शन। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, ये देखिए दोस्तों झारखंड की खूबसूरती, क्या जबरदस्त ग्रीनरी नजर आ रहा है, यही तो मजा है दोस्तों ट्रेन जर्नी का, वो भी बरसात के मौसम में। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच रही है टाटा नगर। अपोजिट साइड है दोस्तों प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों हमें आना था सुबह के 7:40 पे और हम लोग आए हैं अपने 9:15। भाई इतना ज़्यादा डिले कर दी है, वो भी हमारी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही थी फिर भी इतना डिले हुआ। वो सारा रीज़न जो है वो है वंदे भारत, आज वंदे भारत का इनोग्रेशन है इसलिए ट्रेन को ले ही नहीं रहा है। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसपे ट्रेन आ रही है, 1-4, 1-5, इसके अलावा सभी को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए ट्रेन को बहुत ज़्यादा डिले कर रही है। चलिए सफ़र अच्छा रहा, भीड़ ज़्यादा इसमें था नहीं, लोकल पैसेंजर जब तक थे तब तक भीड़ था, उसके बाद ठीक हो गया। मिलते हैं जल्दी किसी ऑनलाइन ट्रेन सफ़र में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे कृष्णा एंड जय हिंद।